we respect everyone, whether it's staff members or teachers or our ex-student or our ex-teachers. One of our ex-student is here and he will be telling something on women empowerment today. Please listen to him patiently. Thank you all. Come Afan. Assalamu alaikum and good evening to all of you. Thanks Principal Ma'am to giving this chance to me. I'm Afan Hashi, the ex-student of Albrooz International School. आज मेरे सामने बहुत सारी औरतें बच्चियाँ जो तालीम याफ्ता हैं बैठी हुई हैं और ये बहुत खुशी की बात है. आज से बहुत साल पहले ऐसे लोग बहुत कम थे, ऐसी सोच नहीं थी लोगों की कि वो लोग आएँ और औरतों को बच्चियों को तालीम दें. उसी सोच पर मैंने एक नज़्म लिखी थी, आज आप सभी के सामने रखना चाहूँगा. के सुना है तू आज़ाद है, सुना है तू आज़ाद है, तू अकेले रस्तों पर चल भी नहीं सकती, तू अपने मन से कुछ कर भी नहीं सकती, तेरे पीछे पाबंदियों का बड़ा पहाड़ है. सुना है तू आज़ाद है, तू अकेले रस्तों पर चल भी नहीं सकती, तू अपने मन से कुछ कर भी नहीं सकती, तेरे पीछे पाबंदियों का बड़ा पहाड़ है और तू आज़ाद है. तू हंसने से पहले सोचती है, किसी से मिलने के लिए खुद को रोकती है, तू अपने हक से दो चार है और तू आज़ाद है. सुना है तू आज़ाद है, उठ और लड़ अपने हक के लिए, मिसाल बन जा आप सब के लिए, तोड़ दे इन बेकार की पाबंदियों को, पीछे छोड़ दे उन पाखंडियों को, अपने जख्म का खुद ही तू मरहम बना, इलाज कर अपना और ऐलान कर डंके की चोट पर कि तू आज़ाद है, कि तू आज़ाद है और तू आज़ाद है. शुक्रिया. Thank you, Afan. Very well said. Cheers for all our women and girls in this society and community. Clap for them, all of you. Afan. I would like to call Afan Hashi. He is our ex-student. That's why our chairman sir is giving him award. Clap for Afan.